दोस्तों आजकल ट्रेडिंग बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। जिससे पूछो वो ट्रेडिंग में ही लगा हुआ है। कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, तो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है। किसी ना किसी तरीके की ट्रेडिंग कोई ना कोई कर रहा है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि AI आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप स्टॉक एनालाइजर हैं या फिर टेक्निकल एनालाइजर हैं, तो AI आपकी हेल्प कैसे कर सकता है चार्ट्स को रीड करने में या फिर और भी डीपली टेक्निकल एनालाइज करने में किसी स्टॉक के बारे में। तो ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर जो यूजर हैं जो चार्ट के लिए वेबसाइट यूज लेते हैं वो है ट्रेडिंग व्यू। आप भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में फंडामेंटल नॉलेज है तो ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए जस्ट आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेंगे। ट्रेडिंग व्यू में आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सुपर चार्ट्स में जाएंगे। सुपर चार्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट आ रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आपको ओपन करना है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक का चार्ट, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ओपन हो गया है। अभी अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। आप इसको अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से या फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे आप अपना जो टाइम फ्रेम है वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको एनालाइज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ AI, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा गूगल जेमिनी, जो कि बार्ड अब अपग्रेड हो चुका है जेमिनी में, तो आप जेमिनी का हेल्प ले सकते हैं। और उसके लिए आप जाएंगे gemini.google.com पर। gemini.google.com पे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इस चार्ट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस तरीके से। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आप देख सकते हैं मैंने कितना स्क्रीनशॉट लिया है। जस्ट इसमें टाइम फ्रेम आ जाए, चार्ट आ जाए, कौन सा स्टॉक है ये आ जाए। इसके बाद जेमिनी जो है वो अपने आप सब कुछ रीड कर लेगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जेमिनी पे गया और यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर दिया तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आप इस पर्टिकुलर अपलोडेड चार्ट के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टूल है, जो AI टूल है, गूगल AI टूल है जिसका नाम जेमिनी है, ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देगा। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। जैसा भी आप प्रॉम्प्ट डालेंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि आप क्या प्रॉम्प्ट डालें। तो आपके माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए प्रॉम्प्ट के लिए। काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको अपने WhatsApp चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दे दूंगा। तो आप उन प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं इनके बारे में। तो अभी हम जिस प्रॉम्प्ट की बात करते हैं, मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिखूं कि पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये पता लगा पाऊँ कि ये अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर सपोज मैं आप लिख देता हूँ डिस्क्राइब द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक प्राइस ओके इन द चार्ट। जस्ट मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और एंटर बटन दबाता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट है वो मेरा अपलोडेड है ही, और एंटर बटन मैंने यहाँ पे दबा दिया। एंटर बटन दबाने पे आप देखिए कि ये जो AI है इस अपलोडेड चार्ट को किस तरीके से रीड करेगा। तो ये जेमिनी की खास बात है। ये जेमिनी होने से पहले बार्ड था। तो गूगल ने अपने AI टूल का एडवांस्ड वर्जन यहाँ पे लाया है जिसका नाम है जेमिनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास आ गया है। तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक प्राइस इन द चार्ट इज डाउनवर्ड। द प्राइस हैज बीन मेकिंग ओवर हाईज एंड लोअर लोज सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे। However, it is important to note that this is just a short-term trend and the stock price could reverse course at any time. ठीक है, here are the some additional observation about the chart. तो यहाँ पर additional information भी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये depend करेगा कि आप किस time frame पे किसी particular stock को analyze कर रहे हैं। ठीक है, कुछ traders ऐसे होते हैं intraday करते हैं, कुछ traders ऐसे होते हैं 1 week के हिसाब से trade करते हैं, कुछ traders का trading style month के हिसाब से होता है। तो time frame main यहाँ पर matter करेगा कि आप जिस time frame, आप किस time frame पे किस stock को analyze कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर फिर से जो चार्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ और एक दूसरा सवाल यहाँ पे पूछता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइडेंटिफाई एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन द चार्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर बटन दबाया। और इसके बाद जो
पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका नाम है Olectra ग्रीन टेक, इसके बारे में मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है। श्योर, बेस्ड ऑन द चार्ट यू सेंट हियर आर सम पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू कंसीडर। सपोर्ट दिस, सपोर्ट 1 ये हो गया, सपोर्ट 2 ये हो गया और सपोर्ट 3 ये हो गया। और इसके बाद रेजिस्टेंस की बात आ रही है, तो रेजिस्टेंस भी ये हो गया और उनके बारे में कब कब इसने पर्टिकुलर स्टॉक ने कब इस सपोर्ट को टच किया या फिर कब डे टाइम में इस रेजिस्टेंस को टच किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसके अलावा पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ें हम इस AI टूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट यहाँ पे चार्ट को अपलोड करके। यानी कि ये जो जेमिनी टूल है ये पर्टिकुलर चार्ट को रीड कर रहा है और टेक्निकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, है ना, कितना अमेजिंग। अब इसके बारे में खास बात यह है कि आप जितने ज़्यादा प्रॉम्प्ट अपने माइंड से सर्च करेंगे, अपने सवालों को पूछेंगे पर्टिकुलर चार्ट के बारे में, उतने आप पूछ सकते हैं और उतने जवाब आपको मिलेंगे, उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। अगर आप स्टॉक लर्न कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग को लर्न कर रहे हैं, ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो ये जो टूल है जेमिनी का काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी लर्निंग के लिए। आप किसी चार्ट को यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके उसकी इमेज को यहाँ पर बार बार आप अपलोड भी कर सकते हैं इस तरीके से। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस ट्विटर। धन्यवाद, जय हिंद।